नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर एक रिहायशी इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। मलबे से 15 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर अभी भी जारी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर एक रिहायशी इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में लगभग कई लोग घायल हुए। करीब 40 से 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और कई लोगों को मलबे से बाहर भी निकाला जा चुका है। यह हादसा इतना भीषण था कि पहले आस पड़ोस में किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ एनडीआरएफ और दर्जनों जेसीबी मौके पर पहुंची। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, साथ ही दर्जनों एम्बुलेंस को भी मौके पर मुहैया करा दिया गया। बाद में बचाव काम में तेजी लाने के लिए आर्मी को भी बुलवा लिया गया। मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है, साथ ही सावधानी पूर्वक मलबे को हटाया जा रहा है ताकि अंदर फंसे लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। तो वहीं 15 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। इसके साथ ही कई अस्पतालों को अलर्ट रहने के भी निर्देश जारी कर दिए गए, साथ ही साथ डॉक्टरों की विशेष टीम मौके पर लगाई गई। मलबे में दबे लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए ऑक्सीजन के मलबे के अंदर पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव कार तेजी से किया जा रहा है, साथ ही मौके पर हर एक तरफ जिम्मेदार मौजूद है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है घटना स्थल पे। आप ठीक पीछे देख रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। बात किया जाए तो ये 5 मंजिला इमारत था जो कि आज गिर गया है, और इसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ठीक सामने राहत और बचाव का कार्य बड़े ही तेजी से किया जा रहा है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं, लखनऊ की मंडलायुक्त रौशन जैकब, साथ ही बात की जाए तो लखनऊ के डीडीएम सुविपाल गंगवा भी यहाँ मौजूद है मौके पे। वहीं अगर बात की जाए तो राहत बचाव के कार्य में तेजी लाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए और राहत बचाव के कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव कार्य के कराए जाने के निर्देश दिए और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सीएम योगी ने घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ कई अस्पतालों को अलर्ट रहने के भी निर्देश जारी किए। साथ ही हादसे के बाद मौके का निरीक्षण कर राहत बचाव कार्य का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू बहुत तेजी से चल रहा है और पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। अभी 9 लोगों को बचाया गया, अस्पताल भेजा है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ फायर ब्रिगेड सभी लोग लगे हैं। देखिए हमारी राहत बचाव की टीम तेजी से लगी हुई है। हम जल्द से जल्द जितने भी हमारे कुछ अभी वहाँ पे नागरिक अभी फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू करके उनको अस्पताल भेजने का काम करेंगे। हॉस्पिटल भी हमने रिजर्व कर रखे हैं, सिविल हॉस्पिटल है, KGMC है, और हम जल्द से जल्द राहत बचाव का कार्य को पूरा करेंगे। जो लोग फंसे मलबे के अंदर उनको निकालने की कार्रवाई तेज हो, रास्ता बनाया जाए। हमने अधिकारियों से बात करी है, रास्ता बनाने का काम हो रहा है। अभी वो लोग अंदर जीवित हैं, जो अंदर जीवित हैं हैदर अब्बास साहब के पिताजी, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा जल्दी ही अगर मलबा हट जाएगा तो सभी लोग जिंदा बच जाएंगे। क्वालिटी कंचेस किसी ने नहीं देखा, इसकी व्यवस्था नहीं है। एनडीए नक्शा पास करता है, उसके बाद पैसा वसूली करते हुए सिर्फ रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ये बहुत गंभीर है, इसको जांच करके जो दोषी व्यक्ति है चाहे जितना बड़ा हो उसमें
के खिलाफ कार्रवाई हो। हम लोग यहीं पर जो है अस्पताल में, मैं, मेरा, हमारे CMS और हमारे डॉक्टर्स की टीम, हमारे स्टाफ नर्सेस, सारे लोग अवेलेबल हैं और सारे लोगों को हम लोग वेल मैनेज करेंगे। घटना के वक्त प्रत्यक्षदर्शियों ने आंखों देखी बताई और कहा कि धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग जमीन में समा गई और कुछ देर तक धूल मिट्टी ही हर जगह थी। राजधानी लखनऊ के हादसे की चश्मदीद हमारे साथ हैं। मैम, आप उस वक्त कहाँ थी और आपके सामने हुआ तो क्या स्थिति थी उस वक्त? मैं 6:45 के टाइम नीचे वॉक कर रही थी, तो मैं अपने कंपाउंड में वॉक कर रही थी और ये बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है और हमारी बिल्डिंग एकदम मिली हुई है एक ही बाउंड्री पे। तो जैसे ही मैं कॉर्नर पहुंची तो हमने देखा अचानक से ही बिल्डिंग विद इन अ सेकेंड वो पूरी ताश के पत्तों के तरीके ढह गई। मैम, अगर बात की जाए तो आप यहाँ रहती हैं, पड़ोस में आपकी बिल्डिंग थी, कितने परिवार यहाँ रहते थे? मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ पर 5 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में और 1 फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं। मैं अपने बैल्कनी में खड़ा हुआ था और एकदम से बहुत तगड़ी आवाज़ आई थी। तो ये बगल वाली हम लोग की एक बिल्डिंग है जिसका बिल्कुल बाउंड्री चिपकी हुई है हमारे अपार्टमेंट से, वो पूरी कोलैप्स कर रही थी। वो 6 मंजिल की बिल्डिंग थी, वो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है, अगर आप कभी देखेंगे तो लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर सिर्फ था उसमें। तो यही नज़ारा था, सब लोग बहुत टेंस्ड अप थे। तो सारी हमारे जो बिल्डिंग के में रहते थे उनको नीचे करवाया था क्योंकि उनको, हम लोग को लगा था आग वाग लग गई है क्योंकि इतना धूल था गिरने के बाद। तो यही माहौल था फिलहाल। तो यूपी के DGP DS चौहान, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, DGP फायर, ADG फायर, मंडलायुक्त और जिला अधिकारी समेत आला अफसर पूरी रात मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान यूपी के DGP DS चौहान ने बिल्डिंग गिरने के सवाल पर कहा कि ये जांच का विषय, सबको बाहर निकालना पहला जरूरी काम। साथ ही लखनऊ के DM ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 3 लेयर अभी काट लिया है NDRF और SDRF टीम, चौथी लेयर पे कार्रवाई चल रही है उसमें, और अंदाज़ा ये है कि 5 से 6 लोग अंदर हैं। अभी मोबाइल फ़ोन से अपने परिजन से बात भी कर रहे हैं और अभी एक ने बीच में आवाज़ दी तो हमारे जवान को आवाज़ सुनाई भी दिया है। इसमें एक छिद्र करके जो है ऑक्सीजन सप्लाई भी अंदर दे दी है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। फायर सर्विस के अलावा जो SDRF है, NDRF है, मेडिकल टीमें हैं, जिला पुलिस की टीमें हैं, सारे लोग लगे हुए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लगा हुआ, DG फायर सर्विस में मौजूद है। नीचे के हिस्से में 2 लोग फंसे हुए हैं, उनसे संपर्क हो गया है लेकिन वो चूंकि छत डैमेज नहीं हुई है तो उसके नीचे वो लोग सुरक्षित हैं, वहाँ कनेक्ट हो गया है, वहाँ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी उनके लिए, तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचा दी गई। बहरहाल CM के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। आयुक्त लखनऊ रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ पीयूष मोडिया एवं चीफ इंजीनियर PWG लखनऊ, ये समिति इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।